दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से फोटोशॉप के जरिए पासपोर्ट साइज के फोटो बनाना सिखाऊंगा, वो भी एक ही क्लिक से। आप शॉर्टकट की से पासपोर्ट साइज के फोटो किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एक रिव्यू करा देता हूँ कि जैसे ये मेरे पास पासपोर्ट साइज फोटो है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रॉप टूल से इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद मुझे यहाँ से एंटर क्लिक करना है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करने के बाद अब मुझे यहाँ पे शिफ्ट के साथ F6 की प्रेस करना है। जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ F6 की प्रेस की, वैसे ही आप देख सकते हैं मेरे सामने एक A4 शीट पर 6 फोटो ऑटोमेटिक सेट हो गए। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको जूम किया, आप देख सकते हैं फोटो के ऊपर बॉर्डर ऑटोमेटिक लग गया और ऑटोमेटिक सभी फोटो बराबर बराबर दूरी पर A4 शीट पर 6 फोटो सेट हो गए। तो ये जो शॉर्ट की मैंने बनाई थी शिफ्ट के साथ F6, ये हमारी शॉर्ट की बनी है एक्शन से। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हम एक्शन को कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहां से हटाता हूँ, फोटो को डिलीट करता हूँ और ये एक्शन जो मैंने बनाया है इस एक्शन को भी मैं डिलीट करता हूँ। क्लियर ऑल एक्शन, सब कुछ मैंने हटा दिया, इस बॉक्स को भी मैं हटाता हूँ। सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा फोटो को ओपन करना। तो कोई भी हम एक फोटो ले लेंगे, हम अपने डिस्प्ले पर डबल क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल ओ से फोटो को सेलेक्ट करेंगे। मैं कंट्रोल ओ से फोटो को सेलेक्ट किया, ये मेरे सामने फोटो आ गया है। फोटो आने के बाद आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड पर एक टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स में एक टूल है क्रॉप टूल। जैसे ही आप क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऊपर की तरफ यहाँ पे विड्थ शो होगी और हाइट और रिजोल्यूशन। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो विड्थ होगी वो 1.2 इंच होनी चाहिए, 1.2 इंच, हाइट 1.5 इंच होनी चाहिए और रिजोल्यूशन 300 यानी कि 300। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर का काम होगा फोटो को हम सबसे पहले क्रॉप करेंगे। जैसे ही हम फोटो को क्रॉप करेंगे, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ फ्रेम को और मैं इसको एंटर, मैंने फोटो को क्रॉप कर दिया। फोटो को क्रॉप करने के बाद हमारा जो अगला काम होगा, विंडो पे क्लिक करेंगे और एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। विंडो पे क्लिक करना है और एक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं एक्शन पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने वही डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा जो पहले था। इसमें अगर हम देखें तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, क्रिएट न्यू एक्शन। अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट न्यू एक्शन पे क्लिक करूंगा। क्रिएट न्यू एक्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। क्रिएट न्यू एक्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर मेरा ऑप्शन आ रहा है नेम। ये हमसे नेम मांग रहा है कि आप जो एक्शन बना रहे हो उसका नाम क्या देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम में 6 फोटो ऑन A4। आप उसके नीचे देखेंगे एक फंक्शन की लिखा हुआ आ रहा है। इस फंक्शन की पे क्लिक करके हम यहाँ से कोई भी एक फंक्शन की देंगे, आप कोई भी दे सकते हैं। मैं अपने पास से F6 की प्रेस कर देता हूँ। F6 पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही हम F6 पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जो कि पहले हाइड थे, अब वो अनहाइड हो चुके हैं। तो एक है शिफ्ट का और दूसरा है कंट्रोल का। ये हमको हिंट दे रहा है कि आप F6 जो की है आप शिफ्ट के साथ यूज करना चाहते हैं या कंट्रोल के साथ। तो मैं इसको शिफ्ट के साथ यूज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ ओके कर दिया। ओके, शिफ्ट के साथ F6, ये मेरी की अब बनकर तैयार होगी और मैं रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग पर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बटन पहले हाइड था वो अनहाइड हो जाएगा और मेरी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, यहाँ से स्टॉप करेंगे हम, लेकिन बाद में। हमारा अगला जो काम होगा, फोटो को सबसे ऊपर क्या करेंगे हम, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे फोटो के ऊपर। फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए जैसे ही हम प्रेस करेंगे, फोटो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फोटो सेलेक्ट होने के बाद हम अपने कीबोर्ड से Alt E S प्रेस करेंगे। जैसे ही हम Alt E S प्रेस करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, स्ट्रोक।
इसके जरिए हम अपने फोटो के ऊपर बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर 5px का रखना है, ब्लैक कलर देना है, आप कितना भी रख सकते हैं यहाँ पे, और सेंटर पे रखना है और ओके करना है। जैसे ही मैंने ओके किया, मेरा बॉर्डर लग गया फोटो के चारों ओर। उसके बाद अगली कमांड हमारी होगी कंट्रोल सी से फोटो को कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी से फोटो को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल एन से न्यू शीट लेंगे। जैसे ही मैंने कंट्रोल एन से न्यू शीट ली, यहाँ पे हमको साइज A4 रखना है। साइज A4 रखने के बाद रिजोल्यूशन 300 रखना है और ओके पे क्लिक करना है। ये हमारी A4 शीट हमारे सामने खुलकर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो फोटो हमने कॉपी किया था उस फोटो को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल बी से, और फोटो को माउस के लेफ्ट बटन से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। मैं इस शीट को जूम कर देता हूँ थोड़ा, ताकि फोटो को अच्छे से सेट कर सकूं। फोटो को मैं सेट करता हूं। अब हम क्या करेंगे, एक फोटो से दूसरा फोटो बनाने के लिए ऑल्ट की प्रेस करेंगे और शिफ्ट की प्रेस करेंगे, और अपने माउस का लेफ्ट बटन फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और दूसरा फोटो ऑटोमेटिक कॉपी होगा। इस तरीके से हम 6 फोटो क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं मेरे 6 फोटो बनकर तैयार हो गए। 6 फोटो मेरे बनकर तैयार हो गए। अब मैं अपनी सीट को छोटा करता हूँ और कंट्रोल माइनस से सीट को छोटा करेंगे। इस तरीके से मेरे 6 फोटो बनकर तैयार हो गए। अब यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया, फाइनल। अब जो सब मेरा अगला जो काम होगा, वो मेरा अगला काम होगा, जो मेरी रिकॉर्डिंग मैंने चालू की थी, मैं उस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा। रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर चुका हूँ। अब मैं फोटो को हटाता हूँ और इस फोटो को भी मैं क्लोज करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमने जो शॉर्ट की बनाई थी शिफ्ट के साथ F6, हम उसको ट्राई करेंगे क्या शॉर्ट की सही बनी है या नहीं। तो उसके लिए हम डबल क्लिक करके या फिर कंट्रोल O प्रेस करके फोटो को सेलेक्ट करेंगे। आप कोई भी फोटो ले सकते हैं, मैं इसी फोटो को ले लेता हूं क्योंकि सबसे ऊपर यही फोटो है। मैंने फोटो को लिया। एक चीज ध्यान रहे, जैसे ही आप फोटो को लेंगे, आपका पहला काम क्रॉप करना होगा। हर फोटो को क्रॉप करना पड़ेगा। फोटो को क्रॉप किया, फोटो को क्रॉप करने के बाद मैंने एंटर की प्रेस की। उसके बाद अब आप कमांड लागू करोगे। आप कभी भी क्रॉप करने से पहले कमांड लागू नहीं करोगे सॉर्ट की। अब मैंने सॉर्ट की जो बनाई थी, क्रॉप करने के बाद ही सॉर्ट की अप्लाई करनी है। मैंने सॉर्ट की बनाई थी शिफ्ट के साथ F6, तो अब मैं प्रेस करता हूँ आपके सामने शिफ्ट के साथ F6। जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ F6 की प्रेस की, आप देख सकते हैं सीट पर, A4 सीट पर 6 फोटो बनकर ऑटोमेटिक तैयार हो गए। आप देख सकते हैं हर फोटो पर बॉर्डर लगा हुआ है, बराबर बराबर दूरी पर 6 फोटो तैयार हो चुके हैं। तो ये है मेरी शॉर्ट की। इस तरीके से हम शॉर्ट की बनाएंगे। हम शॉर्ट की 6 फोटो की बना सकते हैं, 4 फोटो की बना सकते हैं, और एक सीट पर कितने भी फोटो आए सबकी शॉर्ट की बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं मैंने कितने फोटो की शॉर्ट की बना रखी है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसको भी यहाँ से हटाता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे 6 फोटो की शॉर्ट की पहले से है। अब मैं एक नई शॉर्ट की यहाँ से, जो मेरे नया एक्शन मैंने बनाया था पहले, मैं यहाँ से लोड करता हूँ। लोड एक्शन पे क्लिक करेंगे। लोड एक्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये 6 फोटो की अभी यहाँ पे एक्शन पहले से लगा हुआ है। अब मैं करता हूँ 4 फोटो का और क्लिक किया और यहाँ से लोड कर दिया। यहाँ पे ये एक्शन आ चुका। अब हम क्या करेंगे, इस फोटो पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि शिफ्ट के साथ, अच्छा मैंने जो इसकी शॉर्ट की बनाई थी शिफ्ट के साथ F4 बनाई थी, तो मैं ट्राई करता हूँ आता है या नहीं। शिफ्ट के साथ F4, आप देख सकते हैं 4 फोटो मेरे ऑटोमेटिक आ चुके हैं। तो ये जो मेरा एक्शन बना हुआ था, ये था मेरा एक A4 शीट पर 4 फोटो। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैंने एक शॉर्ट की और बनाई हुई है, उसको भी मैं यहाँ से लोड करता हूँ। लोड करने के बाद आप फुल फोटो A4, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और लोड करता हूँ। इसकी जो शॉर्ट की मैंने बनाई थी, मुझे ध्यान तो नहीं है, देखता हूँ मैं। फोटो के ऊपर मैं सबसे पहले शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ F12 प्रेस किया, मैंने एक्चुअली क्या है कि A4 इसकी मैंने शॉर्ट की शिफ्ट के साथ F12 बनाई थी। तो देखिए जैसे ही मैंने F12 प्रेस किया शिफ्ट के साथ, ऑटोमेटिक A4 सीट सभी फोटो ऑटोमेटिक सेट हो गए। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, शिफ्ट के साथ F12,
फोटो ऑटोमेटिक लग जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिन लोगों का प्रोफेशनल है फोटो पे सेट करने का, फोटो बनाने का, उनके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। 4 फोटो, 6 फोटो, 12 फोटो, 24 फोटो, कितने भी आप फोटो बना सकते हैं वो भी एक क्लिक से। तो मैंने आपको बता दिया कि एक्शन को हम किस तरीके से जनरेट करेंगे। आप कितने भी फोटो जनरेट करने के लिए शॉर्ट की या एक्शन बना सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।